हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली मैजिकल एजुकेशन वंस अगेन। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग वापस पढ़ने वाले हैं आईटी जेई या फिर 11th में एक नया कोर्स, एक नया चैप्टर काइनेमेटिक्स का। ठीक है, तो जो पूरा कोर्स चल रहा है हमारा, ये इसमें जो नया चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 5th है, और इसमें हम लोग आज टाइप्स ऑफ मोशंस पे डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी एक बार ये चैप्टर सेकेंड या थर्ड चैप्टर में टाइप्स ऑफ मोशन पे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, बट वहां पे जो मैंने डिस्कशन किया था वो डिस्कशन किया था अलग टाइप से। मतलब कि उस टाइप ऑफ मोशन को मैंने तीन टाइप में वहां पे बताया था आपका, एक था रेक्टिलिनियर, सेकंड सर्कुलर एंड रोटेशनल, और थर्ड था वाइब्रेशनल। आज हम लोग जो क्लासिफिकेशन करने वाले हैं यहाँ पे, ये 1D, 2D और 3D के बिहाफ पे होने वाला है, कि वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन और थ्री डायमेंशनल मोशन के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन होगी ये आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसके पहले के जो चार चैप्टर्स ऑलरेडी बन चुके हैं उनको आप जरूर देख लें, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे और इसके आगे हम लोग आज पढ़ेंगे। और काइनेमेटिक्स तो यहाँ पे आपको मिल ही रहा है, इसके साथ साथ अगर आप और भी कुछ कोर्सेज देखना चाहते हो तो आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे मेरे काइनेमेटिक्स तो मैंने पढ़ाया ही है, साथ ही साथ उसके अलावा भी बहुत सारे कोर्स जैसे सेंटर ऑफ मास, कॉलिजन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ, बहुत कुछ वहाँ पे पढ़ाया हुआ है, बहुत कुछ फोर्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सब कुछ वहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दिया है। तो वहाँ से भी आप ये सारी चीज़ें देखकर अपने जेईई की प्रिपरेशन बहुत ही आराम से कर सकते हो, और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसका कोई भी पैसे नहीं लगने, सारे फ्री है ये। ठीक है, बस आपको नीचे जो डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दिया हुआ है ना, उस पर क्लिक करना है और आप सारे लेसन वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, सेकेंडली दोस्तों आप मेरे साथ जुड़ भी सकते हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं दे देता हूँ आपको, व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हो। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और आप इस पर मुझे मैसेज करके अपना नाम और बता सकते हो कि आप किस क्लास में हो, और यहाँ पे आपको सारे जितने भी वीडियोस या जो भी अपडेट, जो भी नोटिफिकेशन है वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इससे भी जुड़ सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आज का जो हमारा ये है वन डायमेंशनल मोशन पहले हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्योंकि तीन है ना, 1D, 2D एंड 3D, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वन डायमेंशनल मोशन। The motion of an object is said to be one-dimensional motion if only one out of the three conditions specifying the position of the object changes with respect to time. देखो, अगर हम लोग को the motion of an object, किसी भी object का motion is said to be one-dimensional motion, वो one-dimensional motion कहा जाएगा if only, केवल और तभी जब one out of three coordinates, मैंने आपको already बताया है कि हम लोग कार्टेशियन फॉर्म हमें पढ़ना है, हमारे कोर्स में कार्टेशियन फॉर्म पढ़ना है हमें, पोलर, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल नहीं पढ़ना। ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म में अगर हम बात करें तो हमारे पास तीन डायरेक्शन गिवन होते हैं, आई कैप, जे कैप एंड के कैप, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ओके, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जो आपके तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, इनमें से कोई भी केवल एक की जरूरत पड़े। देखो, आउट ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट स्पेसिंग ओनली वन इज रिक्वायर्ड, केवल एक की जरूरत अगर पड़ती है, जैसे सपोज करो कोई हमारा पार्टिकल है और वो किसी एक एक्स एक्सिस के मोशन में मतलब मूव कर रहा है, तो हम लोग केवल और केवल एक एक्सिस के थ्रू इसको डिफाइन कर पाए। ठीक है, इसमें वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की जरूरत ही ना पड़े, केवल एक्स एक्सिस के थ्रू हम इसको डिफाइन कर पाए, तो ऐसा मोशन क्या होगा आपका, वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर टाइम के साथ इसके पोजीशन में चेंज हो रहा है, सपोज करते हैं कि ऑब्जेक्ट इधर से चला और यहां से चल के यहां तक पहुंचा। ठीक है, तो इसने जो भी डिस्टेंस यहां कवर किया इसको स्पेसिफाई करना है, तो केवल और केवल एक ही डायरेक्शन, केवल और केवल एक एक्सिस के थ्रू हम इसको डिफाइन कर पा रहे हैं, तो ये आपका वन डायमेंशनल मोशन होगा। अब सपोज करते हैं ये तो एक्स वाई और जेड हो गया, लेकिन अगर ये एक्स वाई और जेड के एक्सिस में नहीं है, आप ऐसा भी कह सकते हो ना कि मान लेते हैं कि ये किसी ऐसे एक्सिस पे जा रहा है। ठीक है, तो अगर इस वक्त हमें डिफाइन करना हो पार्टिकल की पोजीशन यहां से लेकर यहां तक अगर चेंज हो रही है और हमें डिफाइन करना है इसको, तो हम कैसे करेंगे, तब तो आपके हिसाब से तो अगर हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस कुछ ऐसा बना ले, ये हम बोल देते हैं वाई, ये बोल देते हैं एक्स एंड ये बोल देते हैं हम जेड, अगर ऐसे बनाए तब तो इसको डिफाइन करने के लिए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों की जरूरत पड़ेगी, तो इस हिसाब से तो आपका ये डेफिनेशन गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ जाएगी। नहीं, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो इसको हम लोग और अच्छे लेवल पर समझते हैं। देखो, यहाँ पे फिर से डायग्राम मैं बनाता हूँ, पोजीशन हमारा यहाँ था, यहाँ से पार्टिकल चल के मान लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन पे चला और यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, अब आपको इसको डिफाइन करना है, तो हम क्या करेंगे,
हम इसी की जो आपका लाइन है ना, इसका जो पाथ है, इसी पर हम अपनी एक्सिस ले लेंगे, ठीक है, एकदम इसी के अलोंग। एक एक्सिस ये ले लिया, मान लेते ये एक्स एक्सिस हमने लिया, ठीक है। अब इसके परपेंडिकुलर आपका एक जाएगा वाई एक्सिस और थर्ड आपका जाएगा जेड एक्सिस, ऐसे ही होगा ना, समझ लो इस बात को। जैसे सपोज कर लो कि आपका ये इस डायरेक्शन में बॉडी पार्टिकल मूव कर रहा है, तो आप एक एक्सिस इसी डायरेक्शन में ले लो, ठीक है, दूसरा एक्सिस आप यहां ले लो, ठीक है, यहां नहीं ले सकते, एक सेकेंड, अगर आपने, रुको मैं इसको इरेज कर देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसको इरेज करता हूं मैं, पहले हटा देता हूं उसको, देखो रुको। हाँ तो अब देखो, आपने आपका पार्टिकल कुछ एक रैंडम डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमने क्या किया, हमने एक एक्सिस इसी पर ले लिया, अब इसके परपेंडिकुलर एक दूसरी एक्सिस ऐसी आएगी आएगी ना, तो अगर हम इसको एक्स मान लें और इसको वाई मान लें, तो जेड एक्सिस कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है, 3D में इमेजिन करो, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो बस ये भी तो हमारा एक एक्स एक्सिस के थ्रू, मतलब एक्सिस ऑफ और ओरिजिन ये हम अपने हिसाब से लेते हैं। नथिंग इज द एब्सोल्यूट इन फिजिक्स, स्पेशली आपका जो टाइम है, स्पेशली आपका जो मोशन है, ठीक है, ये एब्सोल्यूट नहीं होता है, ठीक है, आप अपने हिसाब से एक्सिस को ले सकते हो, ठीक है। तो अब जो भी हम लोग एब्सोल्यूट की बात करते हैं, वो केवल एक आइडियल केस होता है, तो आप अपने हिसाब से एक्सिस को हम लोग ले सकते हैं, और इस हिसाब से हम लोग, अगर ये वन डायमेंशन जो है आपको इसमें इसको सॉल्व करना है, तो आप ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको टू डायमेंशन के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो नो डाउट आप इसको टू डायमेंशन में भी कर सकते हो, ओके। तो आई थिंक वन डायमेंशन आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलो सपोज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन ओ एक्स, मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक स्ट्रेट लाइन ओ एक्स के अलॉन्ग मूव कर रहा है विथ ओरिजिन ओ, और जिसका ओरिजिन हमने मान रखा है ओ है, ठीक है। फिगर अभी मैं आपको दिखाता हूँ, तब आपको और क्लियर होगा। एट टाइम टी लेट द ऑब्जेक्ट बी एट कैपिटल पी वेयर ओपी इज एक्स। अब देखो डायग्राम पहले देखो, तो ये देखो आपका एक पार्टिकल है जो कि ओ एक्स, ये पूरी लाइन है ना, यहां से ओ से लेकर एक्स तक इस लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है, और मान लेते किसी टाइम टी पर, टी इज इक्वल टू टी पर, और ये माना जा सकता है टी इज इक्वल टू जीरो, जरूरी नहीं है टी इज इक्वल टू जीरो ही हो, ठीक है, मैंने माना है, और यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो यहां से पार्टिकल चला और कुछ इसने डिस्टेंस एक्स इज इक्वल टू एक्स कवर किया, और ये पहुंच गया पॉइंट पी पर, ठीक है, एंड ओपी, ओ टू पी कितना डिस्टेंस इसका एक्स है, ओके। तो फिगर में आपको ये चीजें क्लियर हुई। इट मीन्स टू नो द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अ गिवन टाइम टी, अगर हमें पोजिशन जानना है किसी टाइम टी पर, तो हमें क्या होगा, वी आर रिक्वायर्ड टू नो ओनली वन कोऑर्डिनेट, हमें केवल और केवल एक कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, दैट इज डिस्टेंस एक्स, जो कि डिस्टेंस एक्स के अलोंग अगर हम कोई भी एक कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, तो उसके थ्रू हम उसके पोजीशन को बता सकते हैं। सच अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच ओनली वन कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग विद टाइम इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन। ऐसा कोई भी मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट का जो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर केवल एक एक्सिस से डिफाइन हो सके, केवल वन कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा हो, तो हम ऐसे मोशन को क्या कहते हैं, वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं, क्लियर, ओके। आगे आता है कि इन वन डायमेंशनल मोशन द ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और अ वेल डिफाइंड स्ट्रेट पाथ। अगर हम वन डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं, तो ये एकदम फिक्स है कि हम कर्वी पाथ पे नहीं चल रहे हैं, ठीक है, हम हमेशा और हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही फॉलो करेंगे, वो स्ट्रेट लाइन किधर भी हो सकता है, ठीक है, और या स्ट्रेट लाइन पाथ हम लोग एकदम वेल डिफाइंड स्ट्रेट पाथ हम लोग फॉलो करेंगे। देयरफॉर वन डायमेंशनल मोशन इज समटाइम्स नोन एज रेक्टिलिनियर और लीनियर मोशन, इसलिए वन डायमेंशनल मोशन को हम लोग रेक्टिलिनियर या लीनियर मोशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं, द मोशन ऑफ अ ट्रेन अलोंग स्ट्रेट रेलवे ट्रैक, अगर स्ट्रेट रेलवे ट्रैक है तो इस पे ट्रेन का जो मोशन होगा वो आपका वन डायमेंशनल होगा। एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट अबव द ग्राउंड, ठीक है, किसी हाइट पे हम पहुंच गए और यहां से हमने एक पत्थर को ड्रॉप किया, तो वो एकदम स्ट्रेट पाथ पे ग्राउंड पे आएगा। अ मैन वॉकिंग ऑन अ लेवल एंड नैरो नैरो रोड का इन द सेंस कि हमने बहुत पतली सी गली मान लिया, अब इसमें कोई आदमी चल रहा है तो नो डाउट वो ना तो इधर जा सकता है ना इधर, मतलब दीवार से लड़ जाएगा, नहीं तो साइड में नालियां होंगी तो उसमें चला जाएगा, तो वो अपने आप को बचाते हुए चलेगा, तो एकदम स्ट्रेट पाथ पे चलने की कोशिश करेगा अगर बहुत नैरो रोड है तो, ठीक है। तो इस टाइप का जो मोशन होता है जो एकदम स्ट्रेट पाथ पे हो, ये सारे मोशन आपके क्या होते हैं, वन डायमेंशन। इसमें एक और है कि ऑसिलेशन ऑफ मास सस्पेंडेड फ्रॉम अ वर्टिकल स्प्रिंग, मान लेते कि एक स्प्रिंग है और इससे हमने एक मास को बांधा हुआ है और इसको खींच के छोड़ दिया, ये जो मोशन होगा ये टू एंड फ्रो मोशन ऊपर नीचे
ये आपका एक स्ट्रेट पाथ पे होगा, तो ये भी एक वर्णानिश्रम मोशन है, ठीक है। तो आपका ये पूरा कवर होता है वर्णानिश्रम मोशन। अब नेक्स्ट आता है आपका टू डायमेंशनल मोशन, नेक्स्ट वन इज टू डायमेंशनल। तो जैसा कि अभी आपने डेफिनेशन से समझा कि वन डायमेंशनल मोशन में केवल और केवल वन कोऑर्डिनेट, केवल और केवल वन एक्सिस की जरूरत होती है, नो डाउट टू डायमेंशनल मोशन में हमें दो कोऑर्डिनेट या दो एक्सिस के रिक्वायरमेंट होगी। तो हम ये बोल सकते हैं द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी टू डायमेंशनल मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो टू डायमेंशनल मोशन कहा जाएगा इफ टू आउट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम लोग तीन कोऑर्डिनेट में से दो कोऑर्डिनेट की हमें जरूरत पड़ जाए जिसके थ्रू हम पोजीशन को स्पेसिफाई कर रहे हैं, हमें कभी भी पोजीशन को स्पेसिफाई करना है। अब पोजीशन को स्पेसिफाई करने पर हम देख रहे हैं कि हमें तीन कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे पास एक्स वाई जेड, उसमें से दो की जरूरत हर बार पड़ रही है, ठीक है। तो हम सीधा सा बोल देंगे कि हमारा जो मोशन है वो कैसा है, टू डायमेंशनल। मतलब अगर हम लोग किसी प्लेन में चल रहे हैं, अगर स्ट्रेट लाइन पे नहीं चल रहे हैं, अगर किसी प्लेन में मूव कर रहे हैं, तो हमारा मोशन कैसा होगा, टू डायमेंशनल। बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल हमारा दिया जा सकता है कि हम लोग देखो, अभी जो मैं कोर्स पढ़ा भी रहा हूँ आपको, ये वाला कोर्स आप देखोगे, इसका टैग है आपका मोशन इन वन डी, है ना। मोशन इन वन डी का मतलब हम लोग वन डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं केवल, टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल मोशन का हम लोग यहाँ पे पढ़ाई नहीं करने वाले, ठीक है। मतलब वो खत्म हो जाएगा, तब मैं आऊंगा वन डायमेंशन से टू डायमेंशन पे। लेकिन टू डायमेंशन का हमारा अलग अलग केस चलेगा, क्योंकि टू डायमेंशनल मोशन जो होते हैं ना, वो अपने आप में ही बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन इज अ टाइप ऑफ टू डायमेंशनल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। आप खुद ही समझ सकते हो, नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कितने बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। तो इनको मैं अलग से पूरा एकदम कवर करूंगा, ठीक है। अब जैसे मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन का एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लेते हैं हमारा ये वाई एक्सिस है और ये कुछ जेड एक्सिस है, सॉरी एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। और प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा कुछ इस टाइप से हो रहा है, ठीक, इस टाइप से हमारी बॉडी मूव कर रही है। तो अगर हमें इस पॉइंट पे हमें पोजीशन को डिफाइन करना है, ठीक है, बॉडी के पोजीशन को इस पॉइंट पे डिफाइन करना है, तो नो डाउट इस पॉइंट के लिए हमें एक्स एक्सिस की भी जरूरत पड़ेगी और वाई एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, तभी तो इसका दो कोऑर्डिनेट बनेगा एक्स वाई, तभी तो हम इसको डिफाइन कर पाएंगे। तो अब एक से तो होगा नहीं, आप अच्छा आप ये भी नहीं कर सकते कि आप इस पर कोई एक्सिस मान लो ना, क्योंकि ये कर्वी पाथ स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, तो इस पर भी एक्सिस मान नहीं सकते हैं। तो हमेशा और हमेशा हमें इसको दो एक्सिस, दो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। इस वजह से ये किस टाइप का मोशन हुआ, टू डायमेंशनल मोशन हुआ, क्लियर। तो किसी प्लेन पर देखो, हम लोग यहाँ पे एक्स वाई प्लेन पर मूव मोशन कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी प्लेन में अगर मोशन होता है, ठीक है, तो वो आपका मोशन क्या होता है, टू डायमेंशनल मोशन। चलो अब इसको समझते हैं। सपोज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन विद द ओरिजिन ओ, फिगर मैं अभी आपको मैं दिखाता हूं। एट टाइम टी लेट द ऑब्जेक्ट बी एट पी, मान लेते हैं किसी टाइम टी पर जो ऑब्जेक्ट है वो पी पॉइंट पे है और उसका कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स वाई। तो पहले डायग्राम देख लो, डायग्राम में देखते हैं। अब मान लेते हैं कि हमारा जो एक्सिस है वो हमने एक्सिस कुछ ऐसा लिया है, एक्स एक्सिस ये हमने ले रखा है, वाई एक्सिस इधर ले रखा है, ठीक है, और जेड की अभी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दो ही एक्सिस हमारा काम हो जाएगा। तो एक्स और वाई एक्सिस लिया है और हमने मान लिया कि किसी टाइम टी पर जो पॉइंट है हमारा और जो पार्टिकल है वो पहुंचा पी पर, तो ये इसका कोऑर्डिनेट क्या है आपका, एक्स वाई, और टाइम इज इक्वल टू टी हो रहा है किसी टाइम टी पर। अब कैसे भी पहुंचाओ डजंट मैटर, वो कैसा भी मूव करके गया, वो कुछ जरूरी नहीं स्ट्रेट लाइन पे ही मूव किया, वो कुछ ऐसे मूव करके ऐसे पहुंचाओ, ठीक है। अच्छा यहां पे पहुंचा, तो अब इस पॉइंट को डिफाइन करने के लिए हमें एक्स एक्सिस की जरूरत पड़ेगी और वाई की जरूरत पड़ेगी, दो से ही हम बता सकते हैं इसको, क्योंकि हम लोग एक से तो डिफाइन कर नहीं पाएंगे इसको। हाँ, अगर इस पे कोई एकदम स्ट्रेट लाइन होता, अगर इसका जो पाथ होता वो स्ट्रेट पाथ होता, क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो ऐसा गया हो एकदम स्ट्रेट पाथ, एकदम एग्जैक्ट यूनिडायरेक्शनल पाथ, ठीक है। अगर इस पे गया होता तब हम इस पाथ पे एक एक्सिस मान लेते और उसके बाद हम इसको वन डायमेंशन में कर पाते, लेकिन ये श्योर नहीं है कि ये किस पाथ से गया है, ये कर्वी पाथ भी हो सकता है, तो इस वक्त हमें दो डायमेंशन की जरूरत पड़नी है, ठीक है। तो एक्स और वाई दोनों जरूरत पड़ रही है, तो इस हिसाब से आपका ये क्या हुआ, टू डायमेंशनल मोशन, ओके। चल तो इट मींस टू नो द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग इन एक्स वाई प्लेन एट अ गिवन टाइम टी वी आर रिक्वायर्ड टू नो टू कोऑर्डिनेट्स। इसका मतलब है कि अगर हम लोग एक्स वाई प्लेन में कोई पार्टिकल या हम घूम रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं, तो किसी भी टाइम टी पर अगर हमें अपना पोजीशन के बारे में जानकारी चाहिए तो हमें दो कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट वहां पे होती है। इस कंडीशन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की जरूरत हमें पड़ रही है। सच ए मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच टू कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज कॉल्ड
टू डायमेंशनल मोशन, अगर ऐसा कोई भी मोशन है जिसमें हमें दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है, टाइम जैसे जैसे बीत रहा है उसका पोजीशन बीत रहा है और पोजीशन को डिफाइन करने के लिए अगर हम लोग को दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ी है तो नो डाउट सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन। ओके सिंपल है और यही है बेसिकली आपका, आपको आपके जो कोर्स है ना जेई लेवल तक आपका इंटर और जेई लेवल तक ये वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल कंटेंट्स, ठीक है, हमारा जेई कंटेंट्स दी वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल। आपको थ्री डायमेंशनल पर डिस्कस नहीं करना है लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में जरूर बताऊंगा थ्री डायमेंशनल मोशन। अच्छा पहले ये कवर कर लेते हैं फिर मैं आपको डिस्कस करता हूँ। इन टू डायमेंशनल मोशन जो ऑब्जेक्ट मूव्स इन प्लेन, मैं ऑलरेडी मैंने आप बता दिया कि अगर टू डायमेंशनल मोशन है तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एक प्लेन में मूव करता है, वन डायमेंशनल है ठीक है तो आपका स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा और टू डायमेंशनल है तो नो डाउट एक प्लेन में मूव करेगा, ठीक है। एंड प्लेन इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन दैट इज द मैथमेटिकल, तो उसको आप वहां से समझ सकते हो, अदरवाइज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एन इंसेक्ट क्रॉलिंग ओवर अ फ्लोर, जैसे मान लेते कोई एक इंसेक्ट है, अब ये उड़ने वाला इंसेक्ट नहीं है ठीक है, ये केवल चल सकता है ठीक है, तो ये मान लेते चींटी है, उड़ने वाली नहीं नॉर्मल एक चींटी है और वो किस आपके फ्लोर पे चल रही है, फ्लोर इज दिस, इस पे चल रही है तो वो या तो इस डायरेक्शन में जाएगी या तो इस डायरेक्शन में जाएगी, ओवरऑल मतलब कि वो केवल और लेंथ और ब्रेथ पे ही मूव करेगी कैसा भी कोई भी पाथ वो ले, ठीक ना। तो इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग को केवल और केवल दो एक्सिस, एक एक्सिस इसके लेंथ के अलॉन्ग, एक एक्सिस इसके ब्रेथ के अलॉन्ग हमें लेना होगा और उसके थ्रू हम इसका मोशन बता पाएंगे। जैसे अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ जब घूमती है ना तो या इलेप्टिकल पाथ होता है एक्चुअली, ठीक है, तो इलेप्टिकल पाथ जो होता है वो 2D होता है, तो इलेप्टिकल पाथ पर 2D का पाथ है तो इसको हम लोग को डिफाइन जो अगर बताना, जैसे मान लो अर्थ यहाँ पे है तो और एक्सिस हमने कहीं भी ले रखा है डजंट मैटर, मान लेते हैं हमने कहीं बाहरी चलो ले रखा है ठीक है, यहाँ ले रखा है तो इसको बताने के लिए हमें एक्स एक्सिस चाहिए एंड हमने वाई एक्सिस चाहिए। ओके तो ये हुआ। अब बिलियर्ड बॉल मूविंग ओवर अ बिलियर्ड टेबल बिलोंग टू इट्स टाइप ऑफ मोशन, ये सारी मोशन जो है ना जैसे बिलियर्ड बॉल के मोशन हुए, अर्थ का रिवॉल्विंग हुआ, ये सारे मोशन आपके टू डी टाइप के मोशन होते हैं। ओके तो क्लियर हुआ। अब आ जाते हैं लास्ट हमारा 3D मोशन। देखो पहले तो वो बहुत ही सिंपल वाली आपकी सस्ती वाली डेफिनेशन कि अगर हमारा पार्टिकल या बॉडी जो भी मूव कर रहा है उसके पोजिशन को डिफाइन करने के लिए अगर हमको तीन एक्सिस की जरूरत पड़े, मतलब तीनों एक्सिस हमें जरूरत पड़ जाए, तो ऐसे मोशन को हमें बताने के लिए ऐसे मोशन का जो होता है सीन वो पूरा थ्री डायमेंशनल कराता है, ठीक है, वो थ्री डायमेंशनल मोशन के अंडर में आता है। तो द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी थ्री डायमेंशनल मोशन इफ ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर हमें तीनों कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ जाए, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी थ्री डायमेंशनल, आपके जो मोशन है ऑब्जेक्ट का वो थ्री डायमेंशनल कहलाएगा इफ यदि तीन कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्पेसिफाई, मतलब तीन कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट हो हमें उसके पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए। इन सच अ मोशन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्पेस, इस टाइप का मोशन एक्चुअली हम लोग जब भी बात करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट है ना वो स्पेस में एक्चुअली आपका मूव कर रहा होता है। जैसे मान लेते हैं हमारा मॉस्किटो है, ठीक है, हमारा इन द सेंस एक मॉस्किटो है, हमारा मॉस्किटो नहीं, एक मॉस्किटो है, वो मॉस्किटो उड़ रहा है ना, अब वो इतना ओबीडियंट तो नहीं होगा कि हमने उसको बोल दिया कि भैया तुम एक्स में ही उड़ना, एक्स एक्सिस पे, ऐसा तो नहीं है, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, इवन वो एक्स वाई छोड़ो आपका एक जेड डायरेक्शन भी वो ले सकता है, तो उसके मोशन को दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसा मोशन आपका क्या कहलाएगा, आपका 3D मोशन, ठीक है ना। सपोज एन ऑब्जेक्ट बी मूविंग इन स्पेस हैविंग थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस लेबल्ड एज एक्स वाई जेड एक्सिस विद ओरिजिन ओ, मान लेते हैं हमारा कोई पॉइंट है या पे, ठीक है, कोई पार्टिकल है जिसको हमें एक्स एक्सिस के थ्रू, वाई एक्सिस के थ्रू एंड देन जेड एक्सिस के थ्रू हमें इसको अगर डिफाइन करना पड़े, ठीक है, मतलब तीनों कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ जाए, अब 3D बनाना तो पॉसिबल नहीं है, मतलब आप केवल इमेजिन कर सकते हो स्क्रीन पे, तो आप ऐसे मान लो, तो अगर तीनों की जरूरत पड़ जाए तो ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे, थ्री डायमेंशनल मोशन। क्लियर। तो थ्री डायमेंशनल मोशन का एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल मैं दे सकता हूँ आपको, जैसे किसी कंटेनर में गैस भर दीजिए, तो उसके गैस मॉलिक्यूल्स जो है रैंडमली कहीं भी मूव करेंगे तो उनका मोशन क्या होगा, 3D, ठीक है। तो 3D मोशन पे बहुत ज्यादा हमें पढ़ाई नहीं करनी, कोई स्पेशल मोशन पे मतलब नहीं है, 3D में ऐसा कुछ नहीं है कि हमने एक स्पेशल, जैसे 2D में आता है ना स्पेशल टाइप का सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, वैसे ही आपका 3D में जो है, या 1D में आप जाओ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है,
तो वो सारी चीजें स्पेसिफाई हो जाती है, स्पेसिफाइड हो जाती है, लेकिन 3D में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जब हम लोग थर्मो पढ़ेंगे, काइनेटिक थ्योरी पढ़ेंगे, तो वहां पे काफी हद तक 3D की बात होगी, क्योंकि वहां पे गैसेज आ जाते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स की बात होती है, और उनका मोशन हमेशा 3D होता है। बट उसमें भी हमारा जो मेनली जो कोर्स चलेगा वो 2D और 1D को लेते चलेगा, और देन मतलब अलग अलग नहीं करना है, हमें उतना ज्यादा नहीं ध्यान देना है कि 1D 2D और 3D में अलग अलग क्या होगा। जब आप हायर एजुकेशन जाओगे तब तीनों को अलग करके पढ़ोगे, ठीक है। तो इस लेसन में इतना ही दोस्तों, अभी थोड़ा सा इस पे और है तो इसको भी समझ लेते हैं पहले, तब खत्म करते हैं आज का लेसन। तो एट टाइम टी लेट ऑब्जेक्ट बी एट पी, अच्छा वो सारी चीजें मैंने यहाँ डिफाइन कर रखा है। मान लेते हैं कि टाइम टी पर ये जो ऑब्जेक्ट है वो आपका पी पॉइंट पे है, जिसका कोऑर्डिनेट आपका एक्स वाई जेड है। इसका मतलब कि टू नो द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्पेस, अगर हमें किसी स्पेस में उस ऑब्जेक्ट का पोजिशन बताना है तो हम लोग को वी रिक्वायर टू नो 3 कोऑर्डिनेट्स, हमें 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट, तीनों एक्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सच ए मोशन, इस टाइप का मोशन जिसमें हमें 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है, तीनों कोऑर्डिनेट्स पे पोजीशन आपका चेंज हो रहा हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं, 3D मोशन, ठीक है। इन 3D मोशन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्पेस, तो क्या क्या मिला, लाइन में मूव करेगा अगर 1D हो, प्लेन में मूव करेगा अगर 2D हो, और स्पेस में मूव करेगा अगर 3D हो। जैसे आप एग्जाम्पल लो, काइट फ्लाइंग इन विंडी डे, हवा चल रही है और काइट इधर उधर उड़ रही है। रैंडम मोशन ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप ले सकते हो। एरोप्लेन या बर्ड का मोशन, ये सारे आपके 3D मोशन आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग एक छोटा सा पॉइंट यहाँ जान लो, बस इसके बारे में बात कर ले और देन हमारा लेसन यहाँ पे खत्म होगा। द पाथ फॉलोड बाय अ पॉइंट ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी। तो ये एक कुछ भी कह लो, एक छोटा सा ये है, ठीक है, मतलब इसको आप जान दो बस, कि जो भी पाथ आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट लेता है क्या मोशन करने में, सपोज करते हैं हमारा सर्कुलर पाथ है, प्रोजेक्टाइल्ड मोशन टाइप का पाथ है, ठीक है, कैसा भी पाथ है, ठीक है, तो जो वो पाथ लेता है उस पाथ को क्या बोलता है, ट्रैजेक्टरी बोलता है, ठीक। तो जब भी वर्ड ये आए आपके फिजिक्स में या कहीं पे भी ट्रैजेक्टरी, तो आप उसको समझ लेना कि उस पाथ की बात कर रहा है जिस पाथ पे मोशन हो रहा है, ओके। तो आज के लेसन में इतना ही, ये 1D 2D 3D आपका पूरा कवर हुआ, और आई होप कि आपको लेसन अच्छा लगा होगा, चीजें समझ में आई होंगी, और अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। कैसे बताएंगे, फटाक से लाइक बटन को तोड़ दीजिए, अपने स्क्रीन पे देखिएगा एक दिख रहा हुआ लाइक बटन, उसको नीला कर दीजिए, उसको तोड़ डालिए और मुझे लाइक करके बताइए कि आपको लेसन अच्छा लगा, और हमारे साथ जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके, साथ ही साथ घंटा भी तोड़ दीजिएगा। घंटे तोड़ने से क्या होगा कि जब भी मैं आपके लिए कोई नया लेसन बनाऊंगा तो बेल आपकी बजेगी और आपको पता चल जाएगा कि एक नया लेसन आ गया है, उसके लिए बेल ऑन कर लीजिए और हमारे साथ बन जाइए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो करना है वो करिए, कहीं पे भी डाउट तो कमेंट करके पूछ जरूर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, इस लेसन में इतना ही, जल्दी मिलते हैं ऐसे कुछ और भी इंपॉर्टेंट और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।